डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 5। आज हम बात करने वाले हैं उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण, टीचिंग इन हायर एजुकेशन। हमारे सिलेबस के अंदर दोस्तों स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स और ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इन सभी के बारे में हम जानेंगे। इनमें से पहले क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों। अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजीनेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयं पोर्टल की बात करते हैं। ये देखिए एक ऐसा पोर्टल है जो कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, यानी कि जिसको हम MHRD कहते हैं, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से शुरू किया गया है। और स्वयं ऑनलाइन पोर्टल जो है इसकी घोषणा 1 फरवरी 2017 को हुई थी, जिसको तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, ये देखिए उस टाइम हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। स्वयं पोर्टल को शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांतों के अंदर रखा गया है। वो 3 आधारभूत सिद्धांत क्या है दोस्तों, नंबर एक पे है पहुँच, निष्पक्षता और गुणवत्ता। ये तीनों के तीनों आप याद रख लेना दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि 3 आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं स्वयं पोर्टल के। और इसका जो इंटरफेस आप देखना चाहे तो दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट है, इस तरह का ये इंटरफेस आपको मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं इसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें हैं, ये किस लिए काम आता है। स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, ये ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है। यहाँ पे आप अच्छे से क्लियर कर लेना कि ये कोई टीवी चैनल नहीं है, रेडियो चैनल नहीं है, ये ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। इसमें स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स भी निःशुल्क है, यानी कि यहाँ पे हम फ्री के अंदर बिल्कुल आसानी से कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन। इस पर 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के कोर्स उपलब्ध है, ये चीज़ भी आप याद रखना। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो छात्र प्रमाण पत्र लेना चाहता है उन्हें कुछ फीस लेकर कोर्स को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो उसकी एक अलग से फीस है, और वैसे ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो व्याख्या खासतौर पर तैयार की गई है, अध्ययन सामग्री को डाउनलोड और मुद्रित भी किया जा सकता है। इसके अंदर देखिए वीडियो सामग्री है हमारे पास और PDF वगैरह है जिनको हम डाउनलोड करके अपने बुक्स अपने फ़ोन में उनको रीड कर सकते हैं, या फिर उसको हम प्रिंट आउट करना चाहें तो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आगे दोस्तों परीक्षा होती है, इसके अंदर एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसके अंदर एग्ज़ाम होगा, प्लस में प्रश्नोत्तरी भी होती है इसके अंदर। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वयं मूल्यांकन, परीक्षा तथा अंतिम शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श किया जाता है, यानी कि हम ऑनलाइन जैसे कि चैटिंग कर सकते हैं इसके अंदर, हमारा कोई अगर क्वेरी है तो हम मेल के जरिए पूछ सकते हैं उनको। तो इसके अंदर सारी चीज़ें दोस्तों, जैसे नंबर एक पे वीडियो आ गई, नंबर दो पे हमारा स्टडी मटेरियल आ गया, नंबर तीन पे हमारे एग्ज़ाम आ गए, नंबर चार पे हमारी डिस्कशन आ गई, तो ये 4 तरह के मोड इसके अंदर दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत उन सभी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बनाया गया है जो अपनी माध्यमिक शिक्षा, वरिष्ठ माध्यमिक या उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर सकते। ये देखिए इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो छात्र अपनी स्टडी आगे अच्छे से नहीं रख पाते, जिनको आने जाने में प्रॉब्लम है, तो वो ऑनलाइन अपनी स्टडीज चालू रख सकते हैं, और इसी के लिए MHRD और AICTE ने इसको संयुक्त रूप से बनाया है। ये चीज़ आप याद रख लेना दोस्तों, इसको किसने बनाया, MHRD और AICTE ने इसको मिलके बनाया है। और
ये देखिए स्वयं प्रभा डीटीएच टीवी चैनल ये अलग चीज़ है दोस्तों, और स्वयं पोर्टल है वो अलग है। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें स्वयं की फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, तो फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये आपकी फुल फॉर्म है, इसको आप याद रख लेना। इसमें से पहले क्वेश्चन आया हुआ है, फुल फॉर्म में से क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें ये आप देख लेना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा है स्वयं प्रभा की बात करते हैं, स्वयं प्रभा की, ये जैसे 32 डीटीएच चैनल वगैरह दिए ना, ये स्वयं प्रभा के अंदर है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और ये 32 डीटीएच चैनल नहीं है दोस्तों, अभी कितने हो गए, 34 हो गए, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, रुकिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्वयं प्रभा की बात करते हैं, पहले क्या था हमें, हमारे पास स्वयं पोर्टल था, अब स्वयं प्रभा है। अब इसका मतलब क्या है, भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने दो डिजिटल शिक्षा पहलों स्वयं और स्वयं प्रभा का उद्घाटन किया। अब देखिए हमने एक तो वो पढ़ ली, स्वयं जो ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है ये पढ़ ली हमने, दूसरा क्या है स्वयं प्रभा है, दोनों का उद्घाटन किया था 9 जुलाई 2017 को किया गया था, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किया गया था। इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये क्या कि 34 डीटीएच चैनल का एक समूह है जो G-SAT-15 द्वारा सेटेलाइट द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ पे 24 डीटीएच चैनल हैं, पहले कितने थे, पहले 32 डीटीएच चैनल थे दोस्तों, अब अपडेट होके कितने हो गए, 34 यहाँ पे हो गए, ये चीज़ आप याद रखना। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें 4 घंटे प्रत्येक दिन सिखाया जाता है, और एक दिन के अंदर 6 टेलीकास्ट होता है। और इसके अंदर किन किन का टेलीकास्ट किया जाता है, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस और इंजीनियरिंग जैसे हमारे सब्जेक्ट है, उन सभी के बारे में इसके बारे में बताया जाता है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, स्वयं प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टू होम, सीधे आपके घर तक सुविधा है, डीटीएस डायरेक्ट टू होम, इसका मतलब यही है दोस्तों, इसके अंदर हमें टीवी के जरिए सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश की जाती है। और इसमें हम बात करते दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात इसके अंदर नहीं है। और इनको देखिए, इन कार्यक्रमों को दोबारा दोबारा भी प्रसारित किया जाता है, री टेलीकास्ट किया जाता है, रिले किया जाता है, ताकि कोई किसी टाइम पे ना देख सके तो वो बाद में भी उसको देख सके। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट है MOOC। MOOC की सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, इसका मतलब दोस्तों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या है, MOOC वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक दूर से रूप से दूरस्थ छात्रों के, MOOC क्या है दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं, ये एक वेब आधारित मुक्त शिक्षा कार्यक्रम है दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है ये, वेब यानी कि वेबसाइट के जरिए इसमें किया जाता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा दूर के छात्र बिल्कुल आसानी से इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी शिक्षा के लिए मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ये देख लीजिए किस किस के लिए, ये उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए ऑनलाइन मुफ्त में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में लोगों को इंटरनेट के द्वारा शिक्षा दी जाती है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो बिल्कुल आसानी से वो ले सकता है। MOOC मुख्य रूप से दोस्तों STEM स्टीम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और उनको अवसर देता है आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए उच्च शिक्षा के अंदर सहायक प्रणाली क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर एक पे दोस्तों हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है, इसके अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल का मतलब जो पहले से चला हुआ आ रहा है उसकी हम बात करेंगे। इसके अंदर क्या है कि जैसे इसके अंदर जो प्रभुत्व होता था, सेंटर क्या होता था, सेंटर होता था शिक्षक होता था, शिक्षक हमें समझाता था सारी चीज़ें, उनको हमें सुनना पड़ता था। लेकिन आज के समय में तो आपको पता है कि ऑनलाइन है, स्टूडेंट अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद भी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हायर एजुकेशन ट्रेडिशनल मेथड को अपनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मॉडर्न टीचिंग मेथड,
देखिए, जैसा नाम से पता चल रहा है, मॉडर्न टीचिंग मेथड हमने बात की। इसके अंदर आजकल हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जैसे DTH का यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी तरह का यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन मॉडर्न तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट इसके अंदर सेंटर होता है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है क्या उसको पढ़ना है, क्या उसको नहीं पढ़ना। और इसके अंदर जैसे LCD प्रोजेक्ट इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई और इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड इत्यादि का इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इसमें ये देखिए, ये क्या है कि ये जो मॉडर्न टीचिंग मेथड है, इसके अंदर दोस्तों टीचर और स्टूडेंट दोनों दोनों ने अपने आप में चेंजेस किया है। जी चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ICT बेस्ड, ये हमने बात कर ली, ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग। अब देखिए दोस्तों, ब्लेंडेड लर्निंग में से एक क्वेश्चन आया हुआ था पहले, ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं ई लर्निंग के बारे में बात करते हैं। ई लर्निंग मीन्स जहाँ पे ई आ जाए, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इसके अंदर ई पोर्टफोलियो होगा, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, ऑनलाइन लर्निंग होगी, यानी कि ऑनलाइन जो भी हम काम करें वो क्या कहलाएगा, ई लर्निंग कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है ब्लेंडेड लर्निंग है। ब्लेंडेड लर्निंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट कंबाइन ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल एंड अप्रोप्रिएट फॉर इंटरेक्शन ऑनलाइन विद ट्रेडिशनल पैलेस। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर हम ऑनलाइन प्लस जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, दोनों का यूज़ किया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई टीचर है, हमें लेक्चर दे रहा है, तो वो लेक्चर देने के लिए हो सकता है हमारे सामने प्रोजेक्ट चलाए, और उस प्रोजेक्ट के अंदर वो इंटरनेट से कोई चीज़ हमें दिखाए, कोई वीडियो हमें दिखाए। और यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब ये होता है दोस्तों, इसके अंदर हम ट्रेडिशनल प्लस में मॉडर्न दोनों तरह का यूज़ करता है, दोनों दोनों का हम यूज़ करके मिक्सअप एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्लेंडेड लर्निंग कहेंगे दोस्तों। और इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है, आप ध्यान रखना, और ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस लर्निंग, ये हम बात कर चुके हैं, ऊपर भी बात कर चुके हैं। डिस्टेंस लर्निंग यानी कि दूर रह के पढ़ाई करना, इसमें हम ईमेल के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, चैट रूम, कला कम्युनिकेशन टूल्स, यानी कि काफ़ी तरह की चीज़ें हैं जिसमें हम डिस्टेंस यानी कि दूर रह के बिल्कुल आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे सिलेबस के अंदर मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में दिया हुआ है, तो ये सभी टर्म्स हमने कर लिए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं, और आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कंप्लीट स्टडी नोट्स लेने के लिए आप हमारी ऐप निमिज नेट जरूर डाउनलोड करना। दोस्तों, अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और DI के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिज नेट है तो GRF है।